डीएचए क्वेटा की बैलेटिंग जो है वो कब हो रही है, उसकी डेट आ गई है, और ये कौन कौन सी कैटेगरी के प्लॉट्स होंगे इसका मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इन प्लॉटों पे जब बैलेटिंग के बाद डेवलपमेंट चार्जेस कितने आ रहे हैं वो भी हमें पता लग गया है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त डीएचए क्वेटा की फाइल के हवाले से जो बैलेटिंग है उसमें लोकेशन प्लॉट के लिए जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, आप काइंडली उससे बचिएगा। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से आपके साथ ये फ्रॉड किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डीएचए क्वेटा ने जो है वो इस वक्त साइन बोर्ड जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है साइन बोर्ड लगा दिए हैं, और जिसमें ये अनाउंस किया गया कि डीएचए क्वेटा जो है वो बैलेटिंग करने जा रहा है अपनी फर्स्ट बैलेट जो है लोकेशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी डेट भी आ गई है और बड़ी जल्दी जो है ये बैलेटिंग होने लगी है। और आफ्टर बैलेटिंग मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त इसके अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो जो हैं हमें पता, हमारे ज़राए से पता लगा, मैं कंफर्म नहीं आपको कर सकता लेकिन 100%, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 लाख रुपया एक कनाल की जो फाइल होगी उसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आपको इम्प्लीमेंट होंगे। इसके अलावा 5 मरला की भी फाइल जो हैं वो भी बैलेटिंग में शामिल होंगी इसमें। तो 5 मरला के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो तकरीबन कोई 13 से 14 लाख रुपए हैं, जबकि 10 मरला के ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस होंगे वो तकरीबन कोई 23 से 24 लाख रुपया जो हैं वो आ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट आपके साथ बात करता हूँ कि हमें बहुत से लोगों ने बताया कि जी लोग जो हैं वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं, ले रहे हैं, और हमें ये बता के कि जी आपको लोकेशन बैलेट जो है वो हम देंगे कि कैटेगरी के प्लॉट आपको दिए जाएंगे, तो उसके लिए वो हम उनको एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो पे कर रहे हैं। आप बैलेटिंग के बाद हमारा कॉर्नर प्लॉट निकल सकता है या फेसिंग पार्क या किसी वाइड रोड के ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह क्वेश्चन मार्क है डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट के ऊपर कि लोग या प्रॉपर्टी डीलर बहुत से लोगों के साथ ये बात कर रहे हैं, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा पैसे 15 लाख रुपया, 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा देके हम कैटेगरी के प्लॉट ले लेंगे। तो ये नोटिस खुद डीएचए क्वेटा को लेना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने बताया तो मैंने कहा मैं ऑन एयर आप सबको और डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट को ये मैसेज कन्वे कर दूँ कि इस वक्त स्कैम जो है वो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसका खुद से नोटिस लें और ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि बड़ी फिर जो है वो बैलेटिंग होगी और जिनके जहां प्लॉट आएंगे वो उसी तरीके से वो मैनेज किया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस वक्त डीएचए क्वेटा की जो अर्ली बर्ड है वो इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए में, 1.55 करोड़ रुपए में प्लॉट मिल जाता है वहां पे, और वो बड़ा डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छी हो रही है वहाँ पर। और जहाँ तक प्राइसिस की बात है कि ऑलरेडी इसकी प्राइसिस जो हैं बड़ी ऊपर चली गई हैं, फाइलों की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से जो फाइलें जो है जिनकी प्राइसेस दी वो 80 लाख 72 लाख और 70 लाख रुपये के तकरीबन इसके अप्रॉक्सीमेटली थी, और एकदम से ये क्वेटा की बैलेटिंग की अनाउंसमेंट के बाद जो है इनकी प्राइसेस के अंदर मिलियन और 1.5 मिलियन का जो है वो जंप देखने में आया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये बड़ा टेम्परेरी जंप है, आफ्टर बैलेटिंग ये सस्टेन नहीं कर सकता, बिफोर बैलेटिंग भी ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये नीचे आ जाएगा। रीज़न ये है कि जो अर्ली बर्ड है वो इस वक्त अवेलेबल है फाइलें, और उनके प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लोकेशन अवेलेबल है, जबकि बायर नहीं है। जब इतना बड़ा बर्डन जो 35-40 लाख रुपए का ये भी आएगा तो वो बिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्लॉट और कैटेगरी के लोग लेते हैं, और फाइल लेना और जो है वो सेंस है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो इतना बिल्कुल हाइप इसकी जो क्रिएट की जा रही है ये आर्टिफिशियल है, और इस बबल में बिल्कुल ना आइएगा। पॉलिटिकल हालात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगले 2-3 महीने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। ये सिर्फ एक स्कैम किया जा रहा है कि पुराने लोगों को बीच में से एग्ज़िट दी जाए और नए लोगों को जो है इसमें एंटर किया जाए, तो हो सकता है कि ये जाल जो है आपके लिए भी बिछाया गया हो। तो बी केयरफुल, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, कहीं देख के करें, लेकिन मैं नहीं समझता ये डीएचए क्वेटा के अंदर अभी इस वक्त इस हालात में करनी चाहिए। और मैं तो बल्कि आपको यही कहूँगा कि आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना चाहिए जो नज़र आ रही हैं, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं या ऑन मैप चीज़ें मौजूद हैं, उनके ऊपर आपको जाना चाहिए। क्वेटा इस वक्त रिस्क है, काफ़ी बड़ा रिस्क है,
और हो सकता है अगर जब आप इसके अंदर एंटर हों तो उसके बाद एग्जिट के लिए आपको तकरीबन 2 से 3 साल आपको निकलने में लग जाएं और हो सकता है आप गेन कुछ ना कर पाएं और बल्कि शायद लूज़र ही आपको बाहर निकलना पड़े। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, फ़िलहाल आप बाय ना करें, लेट सी आफ्टर बैलेटिंग भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि बहुत बड़े डेवलपमेंट चार्जेस इसमें जो हैं वो लिए जाएंगे। तो प्लॉट उस हिसाब से नहीं बिकता जिस तरीके से फाइल लेना बड़ा आसान काम है क्योंकि लोकेशन नहीं है, जबकि प्लॉट की लोकेशन के साथ उसकी प्राइसेस हो रही होती हैं, वेरी कर रही होती हैं। सो मैं तो यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल ना लें। अगर आप ये समझते हैं कि जी बैलेटिंग के बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो आई थिंक सो नॉट, एब्सोल्युटली बल्कि नॉट। और मैं यही आपको कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, लेट्स सी कि आगे क्या होने वाला। थैंक यू सो मच।